हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम छेने के पराठे बनाएंगे। अक्सर घरों में दूध फट जाता है, आज हम उसी फटे हुए दूध से पराठे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले फटे हुए दूध को छान लेंगे। इसका इस तरीके से सारा पानी निकाल देंगे। ध्यान रहे, हमें इसका सारा पानी अच्छे से निकाल देना है, इसलिए हम इसे कपड़े पर रख देंगे। अब एक बड़े बाउल में एक कप मैदा, डेढ़ कप आटा, नमक स्वादानुसार और जो हमने छेने का पानी निकाला था उसको इसमें डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ छेने का पानी इसलिए डाला है क्योंकि छेने के पानी से डो काफी सॉफ्ट बनता है। अब इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। डो तो तैयार है, अब इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, छेना एकदम सूख चुका है, अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ध्यान रहे, छेना अच्छे से सूख जाना चाहिए। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच सौंफ पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक बारीक कटा हुआ अदरक, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, कुछ हरे धनिया के पत्ते डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे, हम छेने के पीसेस को अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए, फिलिंग एकदम खुली खुली बन चुकी है, इसका मतलब ये तैयार है। 10 मिनट हो चुकी हैं, एक बार आटे को फिर से मार लेते हैं। देखिए आटा कितना सॉफ्ट बना है। अब हम छेने के पराठे बनाएंगे। इसके लिए एक लोई लेंगे और उसको थोड़ा बेलकर इसमें फिलिंग भर लेंगे।
अब इसको बेल लेंगे। हमने पहले ही तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे तवे के ऊपर डाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा सेकने के लिए घी ले लेंगे। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी पराठे भी बना लेंगे। छेने का पराठा बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।